धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब कुछ होने के बावजूद जो परमात्मा को नहीं मानता, जो परम सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वह नास्तिक क्यों कहलाता है? आज इसी विषय पर बात करते हैं। आज हम बताएंगे कौन है नास्तिक और कौन है आस्तिक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी प्रेरक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो देर ना करते हुए हम आपको बताएंगे कि नास्तिक केवल वे नहीं जो परमात्मा को नहीं मानते, बल्कि नास्तिक वे भी हैं जो अज्ञानता में रहते हैं और सत्य को स्वीकारते नहीं। जबकि दुनिया का हर दार्शनिक अपने अनुभव के आधार पर यह प्रमाणित कर चुका है कि इस संसार को बनाने और चलाने वाला एकमात्र परमात्मा ही है। यह मानव को यह जान लेना होगा कि परमात्मा ने हमें जो समय दिया है वे जीने के लिए ही दिया है, लेकिन परमात्मा ने जो सांसें बख्शी हैं वो सीमित हैं, जो हमेशा चलती नहीं रहेंगी, वे रुकेंगी भी, क्योंकि सांसें हमेशा कभी भी किसी की नहीं चलती। श्वासों की लड़ी टूटती ही टूटती है देर सवेर, लेकिन इस संसार से विदाई तो लेनी ही पड़ेगी। किसी को पता नहीं है कि सांसें कब तक चलेंगी, क्योंकि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो इतना सीमित सा जीवन प्रभु ने बख्शा है, इतनी सीमित सी श्वासें हमें बख्शी हैं, तो क्यों ना हम श्वासों का सदुपयोग करें। क्योंकि जिस प्रकार बरसात न होने पर गर्मी बहुत बढ़ जाती है, खेत तक सूख जाते हैं, उसी प्रकार मानव के जीवन में परमात्मा का ज्ञान न होने पर उसका जीवन भी सूखने लग जाता है, ये मानव रसहीन हो जाता है। जबकि मानव जन्म पाना भाग्य की बात मानी गई है, परमात्मा ने तो केवल कीमत डाली, हमें इंसानी जन्म दे दिया, लेकिन हमने उसका क्या हर्ष किया? हमने खुद ही अपनी कीमत नहीं डाली, उल्टे परमात्मा को ही कोसते हैं, प्रभु की इनायत को नजरअंदाज करते हैं। जिसके मन गंदे हैं, जिसकी सोच विचार शुद्ध नहीं है, जो अंदर और बाहर से दूषित भावनाओं से ग्रस्त है, जो सत्पुरुषों की बात नहीं सुनते, जो संत महात्माओं की शरण को प्राप्त नहीं करते, वो अपना मन निर्मल नहीं करते, वे नास्तिक ही तो है। उन्हें समझ लेना है कि उन्होंने अपना जीवन ही खराब कर दिया, उन्होंने अपने भाग्य को ही ठोकर मारी हुई है। दूसरी ओर जो पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त करके अजर अमर अविनाशी परम सत्ता को अंग संग मौजूद देखते हैं, वह आस्तिक हैं और सही मायनों में वह भाग्यशाली भी है, क्योंकि उन्हें सर्वत्र व्याप्त परमात्मा की गोद में रहने का आनंद प्राप्त होता है, जहां कोई गम कोई पीड़ा नहीं, बल्कि हर घड़ी हर पल आनंद ही आनंद है। आओ परमात्मा को स्वीकारें, नास्तिक नहीं आस्तिक बनें।